आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, और भारत के आर्काइव्स में अगर जाया जाएगा तो आज एरो क्लब के पास 1910 में दिया हुआ 1,00,000 रुपया विक्टर ससून का आज भी खाते में जमा है और सुरक्षित है। भारत में जेआरडी टाटा, लेकिन यह पूछना चाहूंगा माननीय मंत्री जी, क्योंकि आपके बारे में आगे चर्चा करूंगा माननीय मंत्री जी, माननीय सदन, पहला लाइसेंस भारत में किसको मिला? वो भारतीय नहीं था। जेआरडी टाटा को पहला लाइसेंस मिला क्योंकि वो फ्रेंच नेशनल थे, उन्हें एरो क्लब ऑफ इंडिया ने पहला लाइसेंस दिया। आज तो सब लोग लाइसेंस लेके घूम रहे हैं, विमानन की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत में अगर पहला लाइसेंस किसी को दिया गया तो वो जेआरडी टाटा थे, लेकिन वो देश विदेशी थे, और उसके पश्चात वो पेरिस में रहते थे उस समय, इसलिए उसको विदेशी कहा गया उस समय। और देश के इतिहास में, और आज क्योंकि मैं सदन में कह रहा हूं, करनाल के वो निवासी भगत बिहारी जो पहले इंडियन थे, जो 1929 में उनको पहला विमान उड़ाने का लाइसेंस दिया गया एरो क्लब ऑफ इंडिया। मैं इतिहास इसलिए दोहरा रहा हूं कि एरो क्लब ऑफ इंडिया, जिसकी चर्चा हम भारत में नहीं करते वक्त, और भारत का पहली महिला जिसे, मैडम आप तो वहां बैठी हैं, भारत की पहली महिला, और सदन में उनका नाम मैं इसलिए, वो मुंबई की महिला थी, और यूके पारेख जो गमदेवी मुंबई में कोई स्थान है वहां की निवासी थी, और उन्हें 97 संख्या की लाइसेंस 1930 में, आजादी के पहले पहली महिला लाइसेंसी अधिकारी जो विमान उड़ाने का लाइसेंस लिया, अद्भुत था। 2023 में आज हम देखें तो आज हमारे पूरे भारतवर्ष में 14% महिलाओं को, सबसे ज्यादा अगर आज देखें तो 14 से 16% छोटी लड़कियां और महिलाएं आज लाइसेंस ले रही, और आज पूरे भारतवर्ष में लगभग 22,000 लाइसेंसेस इशू हुआ है। अब हम देखें कि यार एरो क्लब ऑफ इंडिया, भारत में जब शुरुआत हुआ तो लाइसेंस कौन देता था? एरो क्लब ऑफ इंडिया देता था। ट्रेनिंग का लाइसेंस कौन देता था? इंस्ट्रक्टर का लाइसेंस कौन देता था? तो एरो क्लब देता था। फ्लाइंग ट्रेनिंग कौन कराता था? तो एरो क्लब कराता था। और सर्टिफिकेट फ्लाइंग का जो देता था वो एरो क्लब देता था, चाहे वो पटना फ्लाइंग क्लब हो, मद्रास फ्लाइंग क्लब हो, बम्बई फ्लाइंग क्लब हो, ये सभी एरो क्लब में। और भारत में, महोदया, भारत में 1990 तक जितने पायलट ट्रेन हुए हैं, जब व्यावसायिक रूप से प्राइवेट कंपनियां ट्रेनिंग नहीं देती थी, 90% पायलट जो भारत में 1990 तक जहाज उड़ाते रहे, चाहे वो एयर इंडिया का उड़ाते रहे हो, वो सभी उन विमानों से दिए हैं जो भारत सरकार ने एरो क्लब को पैसा दिया और भारत में ट्रेनिंग दिया और सस्ते दाम पर किया। अब तो वाणिज्यिक रूप से ट्रेनिंग का खर्चा एक पायलट के लिए 1.25-1.5 करोड़ रुपया तक खर्च होता है, उस विषय पर भी मैं आऊंगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, और एरो क्लब तो एक संस्था है जिसको देश की सरकार, हमारी सरकार नहीं, पुरानी सरकार भूल गई है, पार्लियामेंट का क्वेश्चन होता है तो एरो क्लब स्पोर्ट्स के मामले में, FIE और इंटरनेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन होता है। लेकिन एक विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जो मदर ऑफ ऑल एविएशन भारत में था, उसके तो सामान उठा करके कुछ कर्मचारी उठा करके फेंक देते हैं, और उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी जो उसके बहुत 30 साल के बाद बना, उस संस्था उसके ऊपर केस ठोक देता है, जो निर्माता है, जो क्रिएटर है, उस पर केस ठोक देता है, और हाईकोर्ट में एक सांसद जाके अपील करता है, और हाईकोर्ट में उस संस्था को बचाने के लिए कोर्ट में बहस करता है, जिसका नाम राजीव प्रताप रूडी है। और मैं और वैसी स्थिति में इसलिए कह रहा हूं कि मुझे इतिहास को बचाना है। एक ऐसी संस्था जिसके देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष रहे, जिसने भारत में नींव रखा, जिसने भारत में एविएशन की शुरुआत की, उसे किसी ना किसी कारण से समाप्ति के रास्ते पर पहुंचाया जा रहा है। हमारा कर्तव्य है, और मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी इस दिशा में कार्रवाई करेंगे, मैं उससे अधिक नहीं बोलना चाहूंगा। आज हम एयरक्राफ्ट एक्ट के बारे में, महोदय, आए तो ये 1934 में बना, अंग्रेजों ने बनाया, और उसमें 20 बार 22 बार, जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा, कि उसका संशोधन करके हम लोगों ने उसमें सुधार किया है, और 21 बार। लेकिन 1944 में शिकागो कन्वेंशन, और ये सब वो सब कन्वेंशन और प्रोटोकॉल हैं जिस पर, और इस बार भी जो विधेयक पारित लाया गया है उसमें 1944 में,
और विश्व युद्ध के समय एक बड़ा संकट था कि सभी देश के जहाज सभी देश में प्रवेश कर जाते थे, तो जो सोवेरेनिटी का जो राष्ट्रीय अधिकार होता है उसके लिए शिकागो कन्वेंशन में 57 देश दुनिया के देशों ने कहा कि अपने अपने देश में आपको अधिकार होगा अपने नागरिक विमानन के नियमों को बनाने के लिए, और उसी के तहत आईकाओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन आया। और पूरी दुनिया में, क्योंकि यहाँ से निकलने वाला विमान पक्षी की तरह कहीं उसके पास बाउंड्री तो होता नहीं है, वो यहाँ से पाकिस्तान के ऊपर गया, अफगानिस्तान के ऊपर गया, चीन के ऊपर गया, बांग्लादेश के ऊपर गया, अमेरिका में गया, यूरोप गया, कानून तो था नहीं, तो कहीं से कहीं कोई निकल के जाता था। और विश्व युद्ध में जिस तरह से जहाज उड़ रहे थे उस समय दुनिया के लोगों ने कहा कि हम बैठ करके इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करेंगे, और वो शिकागो कन्वेंशन था जिसके नीचे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन उभर के आया। हमारे मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, दो मंत्री बैठे हैं, शायद ये मंत्री जी इसी उम्र में दूसरे सदन में, मैं इसी उम्र में इस विभाग का मंत्री था, शायद इन्हीं का उम्र था, मैं इसी और इसी उम्र में था, और 22-23 साल पहले था, देन आई वॉज ऑल्सो 36, बट इट्स अ प्रिवलेज, नो इट्स अ ही स्टडीड इन आर के पुरम, ही हैज an electrical engineering background from United States of America. He is an MBA from Long Island, from New York. And aur uske baad inhone naukri bhi kiya Singapore mein. Aur uske baad, aur usse badi baat, Saugat da ye hai, ki inke pitaji ke saath, usi mantri mandal mein, jab wo Atal Bihari Vajpayee ji ke sarkar mein mantri the, to mujhe bhi kaam karna, to mere liye garv hai, ki aaj unke putr ke saath, Yara Naidu, jo is sadan mein mantri rahe, unke putr ke saath, mujhe yahan kaam karne ka mauka mila, and we are proud of him. He's amazing. His understanding about civil aviation is fantastic. I do not know whether he did it before or he understands it, but I've heard him talking on civil aviation for last month or so. He's amazing. He understands the contents, and I think this is what Indian aviation, and I'm thanks to the Prime Minister who has given an opportunity to such a person to look after this ministry. And of course, I have another young man here next to me. He's from Pune. He has been a former Sudhakar Mahal. I'm flanked by the cabinet minister and the state minister, both of them, so I'm sure my words would be heard much better than what I was heard earlier. And we are close to it. So it's fantastic to be here talking to two brightest people about civil aviation. And fortunately, when I talk about civil aviation, of course, it was a great feat. And his chief minister, who is now the chief minister in 2001, was also the chief minister of Andhra Pradesh. And say again? He is Muralidhar Mahal, a state minister for civil aviation, and it's a privilege for me. I'm sure we all appreciate that what has been done. Ab ek chota sa anurodh hai sir. Main nahi janta hu ye ab kyunki cabinet se approve ho karke vidhayak aaya hai. Iska ek shabd, ab hindi ka shabd hai mohdaya, ye 1934 ka act hai jab angrezon ne banaya tha. Hum logon ne iska hindikaran bhi kiya hai. Kai bar vibhag angrezi shabd mein hi hindi padhta hai, तो कई बार अंग्रेजी पढ़ने में ही हिंदी शब्द निकल जाता है। अब आप देखें, इस एक्ट का नाम दिया गया भारतीय वायुयान विधेयक। इट हैज बीन कन्वर्टेड फ्रॉम इंग्लिश टू स्ट्रेट टू हिंदी। वायुयान तो एक जहाज होता है, वायुयान पूरा एविएशन नहीं होता। और आपके विभाग का नाम क्या है? सिविल एविएशन, नागरिक विमानन। तो मेरा अनुरोध होगा, अब शायद संभव है कि नहीं, लेकिन बाकी अमेंडमेंट लाके इसे कहना चाहिए था भारतीय विमानन विधेयक, बिकॉज इट इज एविएशन। विमानन शब्द का मतलब होता है एविएशन, वायुयान का मतलब होता है एयरक्राफ्ट। तो अब इट इज टू लेट, आई डू नॉट नो इट हैज टू बी टेकन, बट इफ इट कैन बी डन, इफ योर गवर्नमेंट एग्रीज, इट विल गो अ लॉन्ग वे। दिस इज अ टाइपोग्राफिकल एरर। अवर गवर्नमेंट विल, आई थिंक इट्स एन एरर, इट्स एन एरर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वायुयान जहाज होता है और विमानन सिविल एविएशन होता है, तो पॉसिबली दिस एरर कुड हैव बीन करेक्टेड, बट आई थॉट आई विल जस्ट पॉइंट इट आउट बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इज फैंटास्टिक। आई हर्ड यू टॉकिंग दिस मॉर्निंग ऑन MROs। आई थिंक दैट सब्जेक्ट आई हैव बीन रीडिंग अबाउट, बट इट्स एन अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ MROs व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट एविएशन एंड हाउ थिंग्स हैव बीन। सो दिस वॉज वन एस्पेक्ट टू इट। अभी जो अमेंडमेंट्स आए हैं इसमें तीन चीज है। एक तो माननीय मंत्री जी ने पढ़ा, चार प्रमुख चीज हैं, और इसको मैं सदन को इसलिए महत्व देखना होगा, और देश के प्रधानमंत्री और माननीय हमारी सरकार किस प्रकार से दूरगामी नीतियां बनाती है,
शायद इसका इंपैक्ट हम बहुत ज्यादा नहीं समझ पाए, लेकिन यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई द सेक्शन 2 हैज सेड द रीअलाइनिंग द डेफिनेशन ऑफ एयरक्राफ्ट विद ICAO. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर आर लॉट ऑफ गैप्स इन विच व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इन एविएशन एंड व्हाट द ICAO डिफाइंस एविएशन हैज टू बी, सो दैट रीअलाइनमेंट हैज बीन डन. Something has been brought about, the Arbitration Act 1940 to be replaced by Arbitration Act 1966. Now, there are three important things which everyone in this house would completely understand when I'm talking about it. There were three aspects, and I'll just point out one each aspect in a small way. And सबसे पहले, आज इस देश में लगभग 700 विमान हैं, और 700 विमान मोटे तौर से उसमें से 80% विमान वो हैं जो खरीदे हुए नहीं हैं. ये सभी लीज्ड एयरक्राफ्ट हैं. जो भी आप विमान में उड़ रहे हैं, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के समय हम लोगों ने विमान खरीदा, लेकिन आज जितनी कंपनियां हैं इन लोगों ने विमान खरीदा नहीं है. और इसीलिए भारत का कानून लीजिंग का अगर सही नहीं होगा तो ऐसी कंपनियों को भारत में, क्योंकि विमानों की संख्या, बनाए जाने वाले विमानों की संख्या पूरी दुनिया में बहुत कम होते जा रहा है, उसका भी कारण मैं बताऊंगा, और क्योंकि हम लोगों ने इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी एक्ट भारत में लाया था 2016 में, और जो लीजिंग कंपनी है, जो केप टाउन कन्वेंशन जिसके तहत आप किसी देश को अगर सामान देते हैं, किसी देश में अगर विमान देते हैं, इंजन देते हैं, तो उसे अगर बंद होने की स्थिति में वापस लाना चाहते हैं तो आपका कानून अलग है. ये दोनों कानूनों में कॉन्फ्लिक्ट था. गो एयरवेज के 57 विमान बंद हो गए, अब वो NCLT में चले गए. दुनिया का कानून अलग था कन्वेंशन के हिसाब से, और भारत का कानून अलग था. अब होता क्या है मैडम, अध्यक्ष महोदया, होता क्या है कि अगर आपका कानून कंट्राडिक्शन में है तो जो विमान लाख रुपया में आपको लीज रेंटल मिलेगा, क्योंकि आपका कानून कमजोर है और आपके देश पर भरोसा नहीं होगा, तो उसको 2 लाख रुपया में देगा. 2 लाख रुपया में अगर प्रति घंटा के हिसाब से या जो भी उसका हो, तो वो कीमत किसको चुकाना पड़ता है? वो कीमत पैसेंजर को चुकाना पड़ता है. और इसीलिए ये कानून में ये परिवर्तन करके जो परिवर्तन लाया गया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा है. लीजिंग का जो प्रीएम्बल है इस कानून का, ये बेसिकली गो एयरलाइंस में जो संशोधन था, गो एयरलाइंस में जो संकट उत्पन्न हुआ और वो लोग कोर्ट में चले गए और विदेशी कंपनियाँ जिन्होंने विमान भारत में दे रखा था उनको वापस ले जाने में कठिनाई हुई, तो सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके भारत की छवि उस प्रकार से बनी रहे उन्होंने किया है, और आज गो एयरलाइंस के कारण ये परिवर्तन आया. आप सब लोगों में से पता नहीं कितने लोगों के जानकारी है, आज एक बहुत बड़ा निर्णय, और ये निर्णय आज से नहीं प्रयत्नशील थे, ये निर्णय 30 वर्षों से कोशिश किया जा रहा है. मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का, जिनको हम लोगों ने बताया था. आज भारत में पायलटों के साथ, जो आज कितने पायलट हैं भारत में, लगभग 22,000 से 23,000 पायलट भारत में लाइसेंस मिले हैं. एक मैं भी हूं उसमें, थोड़ा मुझे भी है, वो भी अलग कहानी है, लेकिन 22,000 से 23,000 पायलट भारत में हैं, और उनको एक परीक्षा देना पड़ता था. परीक्षा तो DGCA कराता है, लेकिन जो 1934 का एक्ट था उसमें एक काम मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम को दे दिया. अब सिविल एविएशन से मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम का क्या लेना देना है? एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं DGCA, और एक परीक्षा के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम में, टेलीकॉम मिनिस्ट्री में जाते हैं. और उस समय एक जमाने में मोर्स कोड होता था, अब तो ट्रांसमीटर VHF UHF पर होता है, लेकिन परीक्षा लेता था उसका, एक पेपर का परीक्षा लेता था मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम, और वो बच्चे अपना इम्तिहान छोड़ करके मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम के बारे में, वो भी हमारी सरकार का अंग था, और हमेशा संकट उत्पन्न होता था परीक्षा लेने के क्रम में, और वो थोड़ा सा माहौल उसमें खराब हो चुका था, और DGCA भी चाहता था. आज आपने देश के आने वाले भविष्य में और नौजवानों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय, जो कप्तान बनना चाहता है, जो RT का एग्जाम लेना चाहता है, अब उसे मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम में नहीं जाना पड़ेगा, वो इसी मंत्रालय के अधीन DGCA के माध्यम से वो परीक्षा देगा. और आने वाले पीढ़ी के लिए आपने बहुत बड़ा निर्णय लिया है, और मुझे भी याद है, मैं भी जब परीक्षा देने गया था तो मुझे पता नहीं किसी कोने में एक छोटे से सेंटर में बैठा के मैंने RT का परीक्षा दिया था, वो कतई सही नहीं दिखा, लेकिन 40-50 वर्षों से,
और आज पूरे भारत के जितने पायलट ये बात सुन रहे होंगे सरकार को और प्रधानमंत्री जी को बार बार धन्यवाद देंगे कि आने वाले पीढ़ी को आपने इन बच्चों को आरटी कम्युनिकेशन का जो परीक्षा था डीजीसीए को पूरी तौर से सौंप करके देश का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक तकनीकी निर्णय लिया है जो शायद कोई नहीं समझ पा रहा था और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री को मैं दूं। हमारे सभी मित्र यहां बैठे हुए हैं, ये सब बातें तो पॉलिसी की हुई, एक्ट की हुई। अब एक बड़ा संकट आता है हमारे बीच में और रोज कहीं ना कहीं अभी हमारे मित्र कांग्रेस पार्टी की चर्चा कर रहे थे और उन लोग सब लोग ये कहते हैं कि विमान के टिकटों का दाम बहुत ज्यादा है। कहते हैं जैसे मान्यवर कह रहे हैं एकाएक बढ़ा देता है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना मैं पक्ष में बोलूंगा ना मैं विपक्ष में बोलूंगा, लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें बोलूंगा जो सदन और पूरे भारत के लोगों को आपके माध्यम से सुनने में मिले। आज भी अखबार में था कि प्राइवेट कंपनियां प्रॉफिट कर रही हैं, एयरपोर्ट्स से अगेन सर प्रॉफिट कर रही हैं, फलाना है। लेकिन एक बात ध्यान दिलाऊं, इस देश में कितने एयरलाइन कंपनियां खुली और कितने बंद हुए, थोड़ा याद कीजिए 1990 के पहले से कितनी विमान कंपनियां आई। मोदी लुफ्त भारत में आया बंद हुआ, ईस्ट वेस्ट भारत में आया बंद हुआ, जेट एयरवेज बंद हुआ, सहारा एयरलाइंस बंद हुआ, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया भी बंद हुआ, लेकिन बंद होने के बाद टाटास के पास गया जो देश के प्रधानमंत्री का बड़ा। डेक्कन एयरलाइंस बंद हुआ, किंगफिशर बंद हुआ, गो एयरलाइंस बंद हुआ, जैक्सन एयरलाइंस बंद हुआ। अब आप पूछेंगे कि भाई ये तो सब बड़ी बड़ी कंपनियां थी, करोड़ों रुपए लगा करके जहाज कंपनियां, तो भारत में बंद होने वाले एयरलाइंस की संख्या चौगुना है बशर्ते कि जितनी एयरलाइंस आज चल रही है, और इस बात को आज चलने वाले में चाहे वो इंडिगो हो, चलने वाले में स्पाइस जेट हो, और चलने वाले में विस्तारा हो, या फिर टाटास का इंडियन एयरलाइंस एयर, और सभी कंपनियां अधिकांश कंपनियां बंद होती गई। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक अंग्रेजी का कहावत है कि करोड़पति कैसे बनते हैं एविएशन में, तो अरबपति को कह दीजिए कि हवाई जहाज की कंपनी खोल दे, वो करोड़पति बन जाएगा अपने आप। बिकॉज हाउ डज अ बिलियनर बिकम अ मिलियनर, आस्क हिम टू सेट अप एन एयरलाइन एंड ही विल बिकम अ मिलियनर, एंड दिस इज अ वेरी ओल्ड सेइंग जिसको मैंने हिंदी में अनुवादित किया है। अब हम एक जिस विषय पर आना चाहते हैं, एक तो हमारी सरकार ने, हम सब कहते हैं कि भाई विमान यहां चला दो, फलाने जगह पर उतार दो, फलाने जगह पर उतार दो, फलाने जगह पर उतार दो, उसका रेट उसको हमको चाहिए। महोदय भारत में एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन था, एंड द डिस्टॉर्शन वॉज डन बाई द गवर्नमेंट, विच गवर्नमेंट हाउ नी, 72,000 करोड़ रुपए का घाटा था इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। पैसा कौन देता था? भारत की ट्रेजरी से, भारत के एक्सचेकर। हम लोगों ने घाटे की कंपनी का सौदा 70 साल तक चलाया। आज मार्केट से डिस्टॉर्शन इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के जाने के बाद समाप्त हो गया है, और अब जब कुछ जो कुछ भी होगा नियंत्रण में होगा, कंपटीशन में होगा, फेयर प्राइसिंग पर होगा। लेकिन ये फेयर प्राइसिंग आएगा कहाँ से महोदया? इस विषय पर भी, और मैं समझता हूँ कि मंत्री जी इस विषय से, दुनिया की बड़ी बड़ी एविएशन कंपनियां, ब्रिटिश एयरवेज 1987 में बंद हो गया, जापान एयरलाइंस 1987 में बंद हुआ, एयर फ्रांस 1989 में बंद हुआ, टर्किश 2011 में बंद हुआ, मलेशियन एयरलाइंस 2012 में बंद हुआ, यूएस एयरलाइंस का कुछ अंश 1978 में बंद हुआ। ये सब जगह प्राइवेटाइज हुआ। तो इतना वक्त क्यों लगा? लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया, बड़ा निर्णय लिया, कठोर निर्णय लिया। कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, लेकिन देश के हित में डिस्टॉर्शन समाप्त करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया जिसको हम सब लोग को मानना होगा, और उसका कारण मैं आगे बताते हुए बताता हूं। आजकल मुझे याद है भारत में अगर लो कॉस्ट एयरलाइन चलाने का किसी ने सबसे पहले दस्तखत किया है तो सौभाग्य से उस व्यक्ति का, महोदय ये कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूं, मैं जो बातें बता रहा हूं महोदय, मैं बता रहा हूं सिर्फ सदस्यों के लिए, मुझे मैं बता दूंगा उसके बाद महोदय आप जब बोलिएगा, मैं वही बता रहा हूं। भारत में अब कोई लो कॉस्ट एयरलाइन नहीं है, ये हम लोग गलतफहमी हटा दे, द कॉन्सेप्ट ऑफ लो कॉस्ट एयरलाइन इज नॉट देयर, इट्स अ हाइब्रिड मोड। इफ एनीवन टेल्स यू दैट ही इज अ लो कॉस्ट एयरलाइन, ही इज कंप्लीटली नॉट टेलिंग यू अ लाई। देयर इज नो लो कॉस्ट एयरलाइन इन इंडिया एनीमोर। The only low-cost airline which came to India, fortunately I was the person who gave a license to him, was Deccan Airlines, and Captain Gopinath, who was the architect of it.
और जब पहली बार लो कॉस्ट भारत में आ रहा था तो उस समय जेट एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस और अलायंस एयर, इन सब लोगों ने मिलकर कहा कि ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, इसको नहीं होना चाहिए, एंड दे अपोज्ड हिम। हाउएवर कैप्टन गोपीनाथ लॉन्च्ड लो कॉस्ट एयरलाइंस एंड दैट वाज द बिगनिंग ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइसिंग विच केम इनटू दिस कंट्री। द थिंग्स विच आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट इज लो कॉस्ट एयरलाइंस नहीं बोलिए, हम अब भारत में कोई लो कॉस्ट एयरलाइंस नहीं है। अभी हमारे एक मित्र सांसद गए कुशीनगर के, कहे कि मैं मेरे हवाई अड्डा का नाम लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा तो उतर ही नहीं रहा है। हम बैठे थे, माननीय मंत्री जी भी सुन रहे थे उनकी बात। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार के घोषणा के बाद हमारे घोषणा से, आपके घोषणा से कोई हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय नहीं बनता है। अब हवाई अड्डा वही अंतर्राष्ट्रीय बनेगा जहां अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए व्यवस्था हो और लोग तैयार हों। कुन्नूर तो अंतर्राष्ट्रीय बन गया, कैलिकट बन गया, कोचिन बन गया, इसलिए कि वहां के लोग विदेश जाते हैं और हवाई कंपनियां आकर के जहाज उतार करके वहां से ले जाती हैं। इंटरनेशनल पटना, पटना का क्या नाम है महोदय? पटना हवाई अड्डे का नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। 70 साल में कोई हवाई जहाज अंतर्राष्ट्रीय होने के बाद, इसलिए कि कुछ है ही नहीं। और पटना हवाई अड्डा पर उतरने के लिए जहाज में, मैं तो वहां जहाज उतारता हूं, हमारे आज विमानन कंपनियां क्या करती है महोदय? आज जो टिकट देखिएगा उसमें खर्च कितना है, 40% तो टिकट का दाम निकल जाता है तेल में, उसके बाद उसके ऊपर से बाकी बचा 60%, 60% में स्टेट का, बिहार का टैक्स 29% है, किसी राज्य का ऊपरी सूची है, अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार से हर राज्य का अपना अपना टैक्स है। उसके बाद टैक्स वहां से छोड़ दीजिए, उसके बाद PSF। अब PSF क्या है? PSF वही है जो CISF जो वहां खड़ा होके आपको ऊपर नीचे जांचता है। महोदय सरकार उसका पैसा नहीं देती है, कस्टमर जो है, पैसेंजर है, वो CISF का खर्च। CISF के लोगों को मैं कहता हूं कि भैया मैं तो पैसेंजर हूं, MP को तो पहुंचा के आते हो, सर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग किया करो पैसेंजर्स को, देश के प्रधानमंत्री। वो सोचते हैं कि मैं तो सरकार हूं, मैं तो CISF हूं। CISF मालिक नहीं है, उसका मालिक BCS है। CISF को मानना होगा कि हर यात्री जो यात्रा करके एयरपोर्ट से निकलता, और देश के प्रधानमंत्री यही चाहते हैं, उसको प्यार से अपना ड्यूटी कीजिए, उसको कीजिए, लेकिन CISF का पैसा जो उसका वेतन जाता है वो एक एक पैसेंजर के माध्यम से जाता है। ये क्लैरिटी होने, जिस दिन देश की सरकार के पास तय करेगी कि हम उसका हम स्टैचूटरी फंक्शन है ले लें, वो अलग बात है। लेकिन दूसरा है यूजर डेवलपमेंट। अब एयरपोर्ट्स तो बड़े बड़े बनते जा रहे हैं और एयरपोर्ट्स बनाने में जो खर्च है वो भी सरकार की तरफ से नहीं जाता, सरकार की तरफ से नीति जाता है, क्योंकि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बहुत अच्छी नीति है। अब पटना में हवाई अड्डा बन रहा है, उसका टर्मिनल बन रहा है, आप उस टर्मिनल के बारे में मैं विशेष रूप से बताऊंगा। अभी तो टर्मिनल बना नहीं, लेकिन टिकट पर आपने UDF लगा दिया, और इसीलिए हम सब लोगों को मिलकर के सोचना होगा कि हवाई जहाज के टिकटों का दाम सरकार नहीं बढ़ाती है, सरकार उसको कैसे कम करती है। CISF के बारे में मैंने आपको बताया। अब आप हवाई जहाज उड़ता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, अगर मैं अपने विमान को मौसम खराब होने के कारण 20 मिनट अगर आसमान में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और कंजेशन के लिए रोक लूं, उसका तेल जलता है, वो भी खर्च में आता है, चाहे वो मौसम खराब हो, चाहे आगे लैंडिंग की कठिनाई हो, चाहे वो FDTL हो, चाहे वो वर्कर जो वहां बैठा हुआ हो, चाहे कप्तान हो जिसका ड्यूटी घंटा बढ़ जाए, ये सब पैसा पैसेंजर ही देता है। अब मैं आप ये पूछेंगे कि साहब इसका खर्च कैसे किया? विमान जो आसमान में जाता है, यहां तक कि अगर जापान से निकल करके कोई यूरोप विमान जा रहा है, अगर भारत के ऊपर अगर वो जा रहा है तो जितने दूर वो भारत के ऊपर है उसका भी चार्ज मैं बता दे रहा हूं। कुछ और दो चार पॉइंट अब शायद दोबारा तो ऊपर का भी खर्च जो है वो पैसेंजर को देना पड़ता है अगर भारत की, और अगर पाकिस्तान का एयर स्पेस क्लोज हो तो हमको अमेरिका अगर जाना है तो मेरा रास्ता बदला जाता है, मैं जितना लंबा यात्रा करके जाता हूं उतना ज्यादा पेमेंट करना होता है। ये सब कई सारे ऑयल कंपनीज अपना टैक्स लगाती है, वो फ्यूल देती हैं, क्योंकि आपने मैडम अब छोटा करने के लिए कह दिया लीजिंग चार्जेस, मैं छोटा करने का कोशिश करता हूं। मैंने सोचा कि बता दूं ग्राउंड हैंडलिंग चार्जेस, ATF चार्जेस मैडम, नेचुरल कैलोमिटीज, डाइवर्शन, इमरजेंसी, वेदर, ATC, एक्सीडेंट्स, होल्ड, कंजेशन, अब नेविगेशनल, अब मैं दो तीन जो संदर्भित है। अब मान लीजिए भारत में
भारत धरती पर तो हम जानते हैं कि ये राज्य सरकार तमिलनाडु की है, आंध्र प्रदेश की है, बंगाल की, बिहार की, तो ये धरती है। आसमान, आसमान तो खुला हुआ है जिस पर पक्षी कहीं से कहीं उड़ के जाता है, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। यहाँ तो कि एक पक्षी को विदेश जाने के लिए पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। लेकिन भारत में 30% हवा हमारे पास नहीं है महोदया, वो फौज के पास है। और अगर हिंडन के पास हमें हवाई जहाज उतारना पड़ता है महोदया, तो मुझे घूम करके आना होता है। अब फौज के साथ हमारा सब जहाज, फौज के प्रति हमारा बहुत सम्मान है, सब कुछ है। आप कहते हैं कि हवाई जहाज का उसका कीमत ज्यादा है। हवाई जहाज का कीमत अगर गोवा में सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक आप किसी जहाज को नहीं उतरने दोगे, तो बाकी जहाज अंतिम समय में उतरेगा। और जब पैसेंजर को ये लिबर्टी नहीं हो कि हम उस समय जा सके, तो डिमांड और सप्लाई का होता है, और जब डिमांड बढ़ जाता है तो टिकट का दाम बढ़ जाता है। और इसीलिए आज 30%, आप बागडोगरा एयरपोर्ट को ले लीजिए, मैं पिछले 3 साल से बागडोगरा एयरपोर्ट पर जहाज उतार रहा हूं महोदया, दुनिया में मैं अकेला हूं, मुझे सौभाग्य है और मुझे गर्व है। लोग कहते हैं कि रूडी जी आप पार्लियामेंट का ये लगा के क्यों चलते हैं आइडेंटिटी कार्ड, तो मैं जब कप्तान के रूप में जाता हूं तो विमान कप्तान का भी इसी तरह से लगा के जाता हूं। मुझे सांसद होने का गर्व है और एक सांसद के रूप में दुनिया में अकेला पायलट होने का भी गर्व है, मुझे अच्छा लगता है। और मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि शायद ये बागडोगरा हवाई अड्डा में फौज का हवाई अड्डा है, पिछले 3 साल से वहां ILS काम नहीं कर रहा है, कप्तान की हिम्मत नहीं है बता सकता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की हिम्मत नहीं है कि आप एयरफोर्स वालों को कहे कि, क्योंकि उनके बड़े लड़ाकू विमान को उसकी किसी की जरूरत नहीं, लड़ाकू विमान को कोई इंस्ट्रूमेंट अप्रोच सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो आएगा ऐसे आएगा, वो लड़ाकू है। आज के तारीख में आप वायुयान के बारे में बागडोगरा का मैं बताऊं, गोवा का बताऊं, जम्मू का बताऊं। मैं खत्म करने से पहले और भी कई सारे विषय थे, लेकिन मुझे मौका मिलता रहेगा, मैं अलग अलग विषयों को अपने अपने सदन में भाइयों को बताता रहूंगा, अपना इतिहास भी बताऊंगा कि मैं कैसे 1985 में मैं जब छात्र था अपने कॉलेज का, तो NCC का बना, वहां से पायलट ट्रेनिंग के लिए चंडीगढ़ से निकल के पटियाला जाता था, वहां एयर क्रैश हो गया, मेरी फ्लाइंग बंद हो गई। मैं 1990 में विधायक हो गया, बिहार में चला गया, माझी जी उस समय पता नहीं हमारे सीनियर थे, हमने एडमिशन लेना चाहा बिहार फ्लाइंग क्लब में, माननीय मुख्यमंत्री जो लालू प्रसाद जी, उन्होंने एडमिशन नहीं दिया कि विधायक नालायक है, इसको एडमिशन नहीं देंगे। 96 में 98 में जीत करके मैं 2001 में देश का सिविल एविएशन मिनिस्टर बन गया, लेकिन मुझे एडमिशन नहीं दिया गया। जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर बन करके वापस लौटा बिहार में, तो 2005 में मेरा एडमिशन हुआ, और मैं कभी पायलट नहीं था, मैं पिछले 10 और मैं दुनिया का 50 वर्ष के उम्र के ऊपर का पूरे भारत में पहला पायलट हूं जो 50 साल के बाद किसी ने लाइसेंस लिया, मुझे गर्व है। और ट्रेनिंग लेके आज मैं देश के सबसे बड़े विमान कंपनी में अवैतनिक हूं, मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है महोदय। लेकिन एक बात, मैं एक अंतिम विषय, क्योंकि बिहार से आता हूं, 14 करोड़ की आबादी है, ये हमारे मित्र बैठे हुए हैं, हमारे दोनों मंत्री ये मुंबई के हैं, मान लेता हूं वो हैदराबाद के हैं, और उस समय उन लोगों ने तय किया। महोदय कहां का न्याय है बताइए महोदय, मेट्रो एयरपोर्ट्स, दो मेट्रो एयरपोर्ट के बीच में स्लॉट्स, चाहे वो बैंगलोर है, मैडम बैठी हुई है वहां पर, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, आपने ग्रीनफील्ड मेट्रो, और मैंने अपने हस्ताक्षर से, चाहे बिहार का आदमी होते हुए, चाहे मुंबई एयरपोर्ट हो, चाहे दिल्ली एयरपोर्ट हो, चाहे देवनाली शमशाबाद हो या हैदराबाद हो, हम लोग ने वाजपेयी जी के समय में दस्तखत करके ग्रीन, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाला था। आज दो मेट्रो के बीच में जब जहाज उड़ेगा वो सस्ता होगा, दो विमान जब, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन अगर दिल्ली से पटना जहाज जाएगा तो तिगुना महंगा होगा, क्योंकि पटना 14 करोड़ की आबादी वाले राज्य में हमारे पास जहाज उतारने का जगह नहीं है, तो दाम बढ़ गया, डिमांड सप्लाई का मामला है। बिहार 14 करोड़ की आबादी वाला, मैं पिछले पटना एयरपोर्ट में, आप सरकार यहां बैठी है, पटना में आप 1600 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, 1600 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी हवाई पट्टी में 1 इंच का परिवर्तन नहीं है। आज भी मीडियम ब्रेकिंग के साथ, हाईएस्ट ब्रेकिंग के साथ, पेनाल्टी के साथ, देश में अगर सबसे खतरनाक हवाई अड्डा है तो पटना है। मैं 14 साल से कह रहा हूं कि हमें बिहार में एक नया हवाई अड्डा चाहिए, चाहे मैं हूं, चाहे मेरे साथी हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, सही बात समझ करके बिहार में हमेशा हम सब लोग नए, आप एक नया एयरपोर्ट कह रहे हैं बिहटा में बना देंगे, बिहटा भी पटना की तरह ही होगा, टेक ऑफ पाथ पर कॉन्फ्लिक्ट है, क्रैश हो सकता है, मैंने मेरी जो जानकारी महोदया, मैं जानता हूं, मैंने अभी आज से 3 दिन पहले
चाहे गुजरात के एयरपोर्ट में देखूं, पूरे भारत में जो विशनरी रूप से जो एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, वेदर इट इज हैदराबाद और वेदर इट इज चेन्नई, द स्मॉलर स्टेट, छोटे राज्यों को ग्रीन फील्ड। और एक चीज बता दें माननीय सदस्यगण, अगर आपके राज्य में कोई कहता है कि फौज के हवाई अड्डा पर एयरपोर्ट खोलिए, हाथ जोड़ लीजिए, वो आपके साथ गलत है। फौज के चलने लद्दाख छोड़ दीजिए, श्रीनगर छोड़ दीजिए जो एक्सक्लूसिव है, फौज के हवाई अड्डा पर, महोदया फौज के हवाई अड्डा पर अगर आप जाएंगे तो ना उसका भविष्य है, क्योंकि 100 नियंत्रण फौज लगा के रखेगा और आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। देश के भविष्य में जहां जहां क्या हवाई अड्डा बनाने में क्या चाहिए, 3 किलोमीटर 9,000 फीट, 1.5 किलोमीटर चौड़ा धरती चाहिए, और किस तरह से शमशाबाद बना 40 किलोमीटर दूर शहर से, बैंगलोर बना 40 किलोमीटर दूर, राजकोट बना 40 किलोमीटर दूर, जमीन का अभाव थोड़ी ना है। जैसलमेर में हजारों एकड़ जमीन पड़ा है। माननीय सदस्यगण, जब भी बनवाना हो ना, अगले 5 साल के भीतर कोई पुराने हवाई अड्डा के चक्कर में मत पड़िए, नया हवाई अड्डा बनवाइए। महोदया बहुत सारे विषय थे, लेकिन ये दो यंग मिनिस्टर्स हमारे बीच में हैं, और मुझे सौभाग्य है कि सदन के भीतर से, अगेन सर, सौभाग्य है कि सदन के भीतर दुनिया का अकेला पायलट हूँ, अकेला मंत्री हूँ और अकेला सांसद हूँ जिसको इन बातों को रखने का आपके बीच में मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।